तो देख सकते हो ये जो बॉक्स है वो आपको कुछ इस तरह से यहाँ पर दिया गया है, फ्रंट में दिख जाएगा। ये जो वॉच है आपको किस तरह से दी गई है, कलरफिट प्रो 3 की ब्रांडिंग है। उसके बाद यहाँ पर डिजाइन इन इंडिया लिखा गया है, तो ये काफी अच्छी बात है। पीछे की तरफ भी इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन लिखी गई है। तो यहाँ पर इस वॉच में आपको ब्लड ऑक्सीजन मॉनिटर दिया गया है, साथ में स्ट्रेस मॉनिटर भी आपको इस वॉच में मिल जाएगा। फीमेल्स के लिए फीमेल हेल्थ ट्रैकिंग का ऑप्शन है। 1.55 इंच की कलर टच स्क्रीन डिस्प्ले आपको यहाँ पर दी गई है। 320x360 पिक्सल की रेजोल्यूशन आपको दी गई है, तो काफी अच्छी खासी यहाँ पर रेजोल्यूशन है वॉच के हिसाब से। उसके अलावा क्लाउड बेस आपको वॉच फेसेस देखने को मिलेंगे। 10 डेज का बैटरी लाइफ है, 5 ATM वाटर प्रूफ है, तो यानी 50 मीटर तक आप इसको स्विमिंग के टाइम पर भी पहन सकते हैं। 14 स्पोर्ट्स मोड भी आपको इस वॉच में देखने को मिल जाएंगे। और जैसे मैंने बताया ये मेरे पास जेट ब्लू कलर है। तो ये इसका बॉक्स है, आप जल्दी से ये जो बॉक्स है इसे ओपन कर लेते हैं और देखते हैं हमारी वॉच नॉइस कलर फिट प्रो 3। तो बॉक्स को हटाने के बाद यहाँ पर एक और छोटा सा बॉक्स है, यहाँ पर नॉइस की ब्रांडिंग है, तो मैं इसको हटा देता हूँ। तो ये इसमें शायद इसकी कुछ डॉक्यूमेंटेशन वगैरह होंगी, तो मैं जल्दी से इसको ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आपके पास एक वेलकम नोट दिया गया है, उसके अलावा यहाँ पर जो यूज़र गाइड रहेगी कि इस वॉच के जितने भी फीचर्स वगैरह हैं वो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। उसके अलावा अब यहाँ पर आते हैं वॉच की तरफ। तो वॉच जैसा आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ इस तरह से दी गई है, तो इसको भी इसके बॉक्स से बाहर निकाल लेते हैं। और यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि ये मेरे पास जेट ब्लू कलर में है, तो जो इसका स्ट्रैप है वो यहाँ पर ब्लू कलर का है। इसके अलावा ब्लैक कलर में भी अवेलेबल है, लेकिन जो स्ट्रैप रहेगा वो ब्लैक रहेगा, लेकिन जो फ्रेम रहेगा वो आपको इसी तरह से जो डार्क ग्रे कलर का मिलेगा। और जो फ्रेम है ये मेटल का फ्रेम है आई थिंक, तो बिल्ड क्वालिटी काफ़ी सही लग रही है। तो इसको एक बार मैं साइड में रखता हूँ, बाकी जो बॉक्स के कॉन्टेंट है उसे भी चेक कर लेते हैं। बॉक्स में इसके अलावा आपको यहाँ पर एक चार्जिंग केबल देखने को मिल जाएगी, और ये एक मैग्नेटिक चार्जिंग केबल है जिसकी मदद से आप ये जो वॉच है इसे चार्ज कर पाओगे। तो ये तो थे बॉक्स के कॉन्टेंट, अब आ जाते हैं हमारी वॉच की तरफ। और वॉच के ऊपर यहाँ पर जो स्क्रीन पर एक स्टिकर सा लगा गया है, तो उसको मैं हटा देता हूँ। और स्टिकर हटाते ही यहाँ पर देख सकते हो कि ये वॉच ऑलरेडी ऑन थी, तो यहाँ पर बारकोड आ गया है जिसकी वजह से आप इस वॉच को अपनी स्मार्टफोन के साथ पेयर कर पाएंगे, तो उसको हम आगे देखेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं इस वॉच का ओवरव्यू की बात करूँ, तो जैसे मैंने आपको बताया इसकी जो स्क्रीन है वो है 1.55 इंचेस की टच स्क्रीन LCD डिस्प्ले है, और जो रेजोल्यूशन रहेगी वो काफ़ी अच्छी खासी रहेगी। इसके अलावा राइट साइड में आपको यहाँ पर एक बटन दिया गया है, उस पर रेड कलर का एक्सेंट है, और इसकी मदद से आप जितने भी फंक्शंस वगैरह रहेंगे इस वॉच के वो आप चेक कर पाएंगे। पीछे की तरफ यहाँ पर आपके पास SPO2 का फीचर है, हार्ट रेट सेंसर आपको दिया गया है, साथ में आपको यहाँ पर चार्जिंग पॉइंट्स दिए गए हैं। उसके अलावा यहाँ पर ये जो स्ट्रैप है ये रिप्लेसेबल स्ट्रैप है, यहाँ पर आपको लैच दिया गया है जिसकी मदद से आप ये जो स्ट्रैप्स हैं उसको ईजिली चेंज कर पाएंगे। और स्ट्रैप की बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो स्ट्रैप है वो काफ़ी सॉफ्ट सा ही है, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। और ब्लू कलर में ये जो वॉच है ये कुछ आपको इस तरह से देखने को मिलता है। ये जो वॉच है इसे मैं अपने फ़ोन के साथ पेयर कर लेता हूँ। और कलरफिट प्रो 3 को अपने फ़ोन के साथ पेयर करने के लिए आपको अपने फ़ोन में एक ऐप इंस्टॉल करना है, नॉइस फिट। मैंने ऑलरेडी यहाँ पर इंस्टॉल कर लिया है, इसे ओपन कर लीजिए। तो जैसे आप ये जो ऐप है इसे ओपन करेंगे तो आपके पास यहाँ पर दो ऑप्शन आ रहे हैं, सर्च एंड पेयर का या फिर स्कैन एंड पेयर का। तो मैं स्कैन और पेयर पर क्लिक कर देता हूँ और ये जो कैमरा है ये ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको ये जो बार कोड है इस कैमरा में इसे स्कैन कर लेना है और ये जो वॉच है आपके फ़ोन के साथ पेयर हो जाएगी। तो काफ़ी सिंपल सा ही प्रोसेस है, तो वॉच मेरे फ़ोन के साथ पेयर हो गई है। ऐप की फंक्शनलिटीज़ हम बाद में चेक करेंगे, तो सबसे पहले आते हैं हम अपनी वॉच की तरफ। तो वॉच में जैसा आप देख सकते हो जहाँ पर पेयर होने के बाद फ्रंट में ही आपको एक वॉच फेस दिया गया है, सिंपल सा ही वॉच फेस है। लेकिन जो फर्स्ट इंप्रेशन की बात करूँ तो स्क्रीन है वो काफ़ी मुझे शार्प लग रही है। तो अगर मुझे यहाँ पर ये जो वॉच फेस है इसे चेंज करना है तो यहाँ पर मुझे स्क्रीन है उसे होल्ड करके रखना है, और यहाँ पर आपको कुछ डिफ़ॉल्ट वॉच फेसेस हैं वो दिए गए हैं। तो करीब 5 के करीब आपको यहाँ पर वॉच फेसेस दिए गए हैं, तो अगर मुझे ये वाला जो वॉच फेस है उसे चूज़ करना है तो मैं इसे सेलेक्ट कर सकता हूँ। और इसके अलावा भी यहाँ पर आपको कुछ क्लाउड बेस वॉच फेसेस आपको दिए गए हैं, तो वो आप ऐप के थ्रू इंस्टॉल कर सकते हैं, उसको हम आगे देखेंगे। तो मैं वापस से इसका जो डिफॉल्ट वाला वॉच फेस है उसे ही सेट कर लेता हूँ। तो डिफॉल्ट वॉच फेस में जैसा आप देख सकते हो यहाँ पर आपको टाइम, डेट, डे, ऊपर यहाँ पर आपको कंटिन्यूअस हार्ट रेट मॉनिटर का यहाँ पर जो सिंबल दिया गया है, उसके बाद यहाँ पर जो बैटरी परसेंटेज है वो आपको दिख जाएगी, यहाँ पर वेदर है इस टाइम पर वो कितना है, और उसके अलावा यहाँ पर कुछ कोने में रिंग्स हैं और कि आपकी जो हेल्थ ट्रैकिंग है वो यहाँ पर ट्रैक करता रहता है, तो कितनी आपने कैलोरी बर्न करी, कितने आपने स्टेप्स काउंट किए, तो वो यहाँ पर आपको दिख जाएंगे, तो ये भी काफ़ी सही है। उसके अलावा अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ स्वाइप करते हैं तो आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन पैनल दिया गया है, तो सारी नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर दिख जाएंगी। तो ये जो वॉच है मैंने अभी पेयर किया तो इसलिए यहाँ पर कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है। उसके अलावा नीचे से ऊपर की तरफ अगर आप स्वाइप करते हैं तो यहाँ पर आपको सेटिंग का पैनल मिल जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर बैटरी परसेंटेज है, टाइम है, कनेक्टिविटी का ऑप्शन है, और सबसे पहला जो ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलेगा वो मिलेगा डू नॉट डिस्टर्ब का। तो किसी टाइम पर आप चाहते हैं कि आपको नोटिफिकेशन ना आए तो आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर रेज रिस्ट टू वेक का ऑप्शन आपको दिया गया है, तो यहाँ से आप इसको इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने अगर ये जो वॉच है इसको यहाँ पर ऊपर लिफ्ट करता हूँ तो यहाँ पर ये जो स्क्रीन है वो ऑन हो जाती है, तो ये जो ऑप्शन है काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है। उसके बाद यहाँ पर ब्राइटनेस का ऑप्शन है, तो यहाँ पर आपको 3 लेवल ऑफ ब्राइटनेस का ऑप्शन दिया गया है, और जो ब्राइटनेस है मैं बोलूँगा कि काफ़ी सही है। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम ब्राइटनेस आपको मिलेगी जो थर्ड लेवल पर वो मिलेगी 500 निट्स की, तो आउटडोर के हिसाब से ये जो वॉच है ये काफ़ी
से रहेगी। मैंने अभी स्टूडियो राइट में हूँ, तब भी यहाँ पर मैं फर्स्ट जो मैंने यहाँ पर सेट किया हुआ है। उसके अलावा फाइंड माई फोन का ऑप्शन है, तो आपका फोन कहीं पर भी पड़ा हो अगर आपने इधर उधर रख दिया है तो यहाँ से आप उसको फाइंड कर पाओगे। तो ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर इस सेटिंग पैनल में मिल जाते हैं। उसके अलावा अगर आप राइट से लेफ्ट की तरफ स्वाइप करते हैं तो यहाँ पर आपकी जो एक्टिविटी का ऑप्शन आ जाएंगे, कितने आपने स्टेप काउंट किए, कितने आपने डिस्टेंस कवर किया और कितनी कैलोरी बर्न करी, और यहीं पर ही आपको रिंग वगैरह भी दिख जाएगी जैसे आपके होम पेज पे दिखती थी। उसके अलावा अगर आप यहाँ पर इसको टैप करते हैं तो जितनी भी इन्फॉर्मेशन रहेगी, डिटेल इन्फॉर्मेशन, आप यहाँ से भी ट्रैक कर सकते हो। तो यहाँ पर आपके स्टेप काउंट्स, कैलोरी बर्न, कितना डिस्टेंस कवर किया और आपने कितनी देर तक एक्टिविटी करी, तो वो आप यहाँ पर देख पाओगे।